जय जय अम्बे, हर हर महादेव सभी को। तो गाइस रात को मैं पहुंच चुका था भाई अंबाजी में। दो दिन में 251 किलोमीटर की यात्रा मेरी कंप्लीट हो चुकी भाई, और अभी जा रहा हूँ मैं दर्शन करने के लिए माँ अम्बा के। तो सभी साथ में दर्शन करेंगे। बाकी गाइस इतनी ज़्यादा पब्लिक है ना भाई, पूछो ही मत। और अभी रेडी हो चुका हूँ भाई, और अभी जा रहा हूँ मैं, और साइकिल को रख दिया भाई पुलिस स्टेशन के पास में। अंकित भाई के भाई ने रखवा दिए यहाँ पे, तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है, तो साइकिल रख दिया मैंने। बाकी अभी जा रहा हूँ मैं दर्शन करने के लिए, सभी साथ में मिलकर करते माँ अम्बा के दर्शन। तो चलो गाइस, जय जय अम्बे। तो गाइस चलो भाई, पहुंच चुका हूँ मैं और अंबाजी गोल्डन टेंपल भाई देखो सामने। और ये भाई है हमारे यहाँ से चिराग भाई, मेरे नज़दीक से तो इनका कांटेक्ट हुआ, तो इनके साथ में मैं जा रहा हूँ। ये मेरे को लेने के लिए आए थे भाई। हेलो चिराग भाई, यहाँ पे ही रहते हैं और इनके साथ में मैं जा रहा हूँ अभी भाई। ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना भाई, पूछो ही मत। देखो सामने मंदिर का जो गेट है ना आने का, भाई चलो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। ये भाई लोग थे यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ में मैं आया और दर्शन हो गए। बाकी देखो भीड़ यहाँ पे, जय जय अम्बे। एक जगह भीड़ करवी नहीं, मोहथाल ना प्रसाद माटे गणपति मंदिर पासे, यज्ञशाला पासे, शक्ति द्वार पासे, प्राथमिक सारवार केंद्र पासे, अने 7 नंबर गेट नी बार पर मोहन। तो भाई चलो दर्शन हो चुके हैं भाई। ये भाई यहाँ पे रहते हैं अंबाजी में, तो इन्होंने मुझे दर्शन करवा दिए बहुत अच्छे से। बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ है ना भाई, पूछो मत। बाकी चलो मिलते हैं फिर कभी। ओके ओके भाई। तो ये हमारे यहाँ से और ये भाई राजस्थान से, तो मिल गए, मतलब कांटेक्ट किया था आगे से ही कि भाई मैं यहाँ पे तो आ जाना, तो मैं आ गया और दर्शन कर लिए। बाकी देखो भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है ना। चलो अभी जाता हूँ मैं साइकिल जहाँ पे रखी है वहाँ पे। तो भाई सभी के बजे है 11 और रात को मैंने साइकिल यहाँ पे छोड़ी थी। देखो ये रही अपनी साइकिल। बाकी गाइस सभी सोच रहा हूँ भाई यहाँ से मुझे साइकिल चला के जाना है, या फिर कोई गाड़ी मिल जाए तो उसमें रख के चला जाता हूँ। पर अभी देखता हूँ गाइस, कोई कॉन्टेक्ट हो सके तो करता हूँ। तो गाइस चलो अभी बजा है 1 और मैंने साइकिल रखी थी हमारे ऋत्विक भाई के वहाँ। तो ये रहे हमारे ऋत्विक भाई। चलो भैया मिलके अच्छा लगा, और फिर से मिलेंगे ज़रूर। ओके तो ये साइकिल यहाँ पे रखी थी, अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से आगे की ओर। तो चलो भाई मिलते हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिल गए। तो गाइस चलो, खैर ब्रह्मा यहाँ से 45 किलोमीटर दिखा रहा है और मैं आ चुका हूँ अंबाजी के बाहर। ये अंबाजी का मेन गेट है भाई, और पब्लिक देखो कितनी बाहर जा रही है। अंबाजी से भाई 3-4 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ सभी बाहर रहती है भाई। और ये रहा मेन गेट अंबाजी का। चलो भाई मिलते हैं आगे जाके। तो गाइस रात को मैं गया था इसी रास्ते पैदल पैदल भाइयों के साथ में, और उसी रास्ते पे मैं अभी जा रहा हूँ। देखो पब्लिक आ रही है थोड़ी थोड़ी उस साइड देखो, और अभी निकल चुका हूँ भाई मैं, 2 बजने वाले हैं। देखते भाई कहाँ तक आज पहुँचता हूँ। बाकी इस रास्ते पे ना भाई इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही है, सामने देखो बस आ रही है,
इसी रास्ते पे आमने सामने गाड़ी आ रही, इसीलिए साइकिल ले जो देख के चलानी पड़ेगी। देखो भाई अभी ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही है ना, इसकी पूछो मत भाई। ये देखो बस आराम आराम से चलानी पड़ेगी भाई इस रास्ते पे। तो भाई ऐसी ऐसी चढ़ाई आ रही है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऑटो नहीं चढ़ रही है भाई, देखो भाई साहब। और इस साइड इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है ना कि देखो भाई चलना मुश्किल है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, चलो खेड़ ब्रह्मा तक कैसे भी करके यहाँ से पहुँच जाता हूँ, फिर आगे का आगे देखते गाइस। तो गाइस सभी बजे है 4 और यहाँ से खेड़ ब्रह्मा भाई है 13 किलोमीटर। तो भाई आज रुकने का कुछ प्लान है नहीं, आगे जाके देखता हूँ कहाँ जगह मिलती है। बाकी कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है, मतलब जो पैदल यात्री जा रहे हैं ना वो दर्शन करके वापस जा रहे हैं, उनसे कॉन्टेक्ट हो जाए तो मैं ये साइकिल उनके साथ में रख दूँगा और उनके साथ बैठ जाऊँगा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। तो देखिए आगे जाके क्या होता है। बाकी बस चलो आगे बढ़ते गाइस। चलो गाइस पहुंच चुका मैं खेड़ ब्रह्मा, और खेड़ ब्रह्मा से आगे निकलना है मेरे को, तो यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं है मेरे को। खेड़ ब्रह्मा अंबाजी माता मंदिर, जय जय अंबे। चलो आगे बढ़ते। तो गाइस चलो अभी बजे है 6 और पहुंचने वाला हूँ भाई मैं इडर। तो यहाँ से भाई होगा करीबन 5 किलोमीटर के आसपास। तो आज रुकने वाला हूँ मैं इडर में, जगह देखी नहीं है, आगे जाके देखते हैं। चलो भाई। तो भाई अभी पहुंचने ही वाला था लेकिन एक दिक्कत हो गई भाई, चेन फंस गई, देखो निकल ही नहीं रही है, ये देखो फंस गई। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर साइकिल की दुकान मेरे को मिल गई है, वहाँ पर भाई ये चेन फंसी थी उधर, और सीधे दुकान में आके खड़ा हो गया। बाकी अभी रिपेयर होने के बाद आगे जाऊंगा, और आगे एक मंदिर है रुकने के लिए, तो वहाँ पे अभी जाता हूँ। और भाई जगह मिल जाए तो अच्छा है, कल तो भाई ऐसे तैसे रात निकाल दी थी अंबाजी में। बाकी चलो अभी आगे जाके वहाँ पे देखता हूँ जगह है या नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सोने के लिए। बाकी पहुँच चुका गाइस इडर में। तो गाइस अभी मैं किसी से मिलवाता हूँ, चलो अभी मैं यहाँ पे खड़ा था और हमारी बात तो हुई थी लेकिन आपको मिलवाता हूँ। चलो भाई संजेली का देसी भाई मिल चुके हैं मेरे को, और राहुल भाई। तो अभी ये लोग अंबाजी से आ रहे थे, मैंने बात की थी सुबह, और ये दर्शन करके आए फिर यहाँ पे मिले। बाकी मिल चुके हैं भाई, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग। ओके भाई। तो चलो गाइस अभी हमारी साइकिल ठीक हो गई और भाई लोग जा रहे हैं, तो चलो मिलते हैं। ओके ओके भाई, ओके। तो गाइस भाई इडर का अभी का जो व्यू है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये देखो भाई, भाई ऐसा मैंने कब देखा था पता है, जब मैं कच्छ में था ना तब देखा था भाई। देखो सही, बहुत ही सुंदर क्या लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। बाकी चलो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे रुकने की जगह ढूंढने के लिए। तो भाई देखो अभी पहुँचा हूँ इधर, और देखो भाई आज मैं किधर गया भाई, ये देखो अंबाजी से इतना दूर आ चुका हूँ गाइस, ये देखो। और खेड़ ब्रह्मा यहाँ से 21 किलोमीटर है। तो भाई आज इतनी साइकिल चलाई है, वो भी निकला था मैं 1:30 बजे के आसपास, और यहाँ तक पहुँच गया भाई। तो चलो गाइस इडर में रहने की जगह मिल चुकी है। बाकी गाइस अभी सुबह निकलूँगा मैं, और जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा, क्योंकि अब वो बच्चा है 100 करीबन कितना होगा बताए गाइस, 170-180 किलोमीटर के आसपास से हमारा घर। तो भाई चलो जितना हो सके उतनी साइकिल हमारी खींचनी है, हमारी निंजा को उतनी भगानी है भाई, क्योंकि पहुंचना है घर। क्योंकि जो पैदल यात्री थे ना वो इडर के है ना वहाँ से आगे की ओर मिल रहे, बाकी भाई इडर
और जो मोड़ासा है, सामला जी है, वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, इसलिए जल्द से जल्द वो रास्ता मेरे को पार करना पड़ेगा भाई। बाकी चलो जल्दी से जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। जय अम्बे सभी को। बाय बाय। टाटा।